कांग्रेस के साथ लोग धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं, कांग्रेस सबको लेकर चलने की बात करती है। हमारे लिए जैसे हिंदू है वैसे मुसलमान, जैसे ठाकुर है वैसे हरिजन, जैसे ब्राह्मण है वैसे पिछड़ी जात का लोग, कांग्रेस ने सबको गले लगाकर चलने की परंपरा। अगर आज डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय यहाँ बैठे हुए तो उनके बगल में काजी सुहेल जी बैठे, उनके बगल में श्रीपद गौड़ जी भी बैठे, उनके बगल में राकेश गौड़ जी भी बैठे, उनके बगल में अर्जुन कन्नौजिया जी बैठे। सिर्फ कांग्रेस का एक मंच ऐसा होता है जहां हर जात धर्म बिरादरी के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियों में एक जात एक धर्म विशेष के लोग सिर्फ रहते हैं। तो कांग्रेस आपका उत्थान कर सकती है, कांग्रेस आपको बराबरी का दर्जा दे सकती है। कांग्रेस का मानना है कि इस मुल्क का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, ये नारा हमारा। आज हम गांव गांव जा रहे हैं, 31 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, मौलाना साहब ने कहा, सारी गलती सारी भूल जनता की नहीं है, कांग्रेस के लोगों के अंदर भी कमी थी। कांग्रेस के लोगों ने गांव के अंदर जाना छोड़ दिया, हमने गांव के लोगों से संबंध तोड़ लिया, हम गांव नहीं जाते हैं, सिद्धार्थनगर में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े नेता लखनऊ बैठे रहते हैं, दिल्ली बैठे रहते हैं। जब गांव में हम आम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनके दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, तो क्यों गांव के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये निर्देश दिया कि कांग्रेस पार्टी के लोग संगठन सृजन अभियान चलाएं और गांव गांव जाकर आम जनता की समस्याओं से रूबरू हो, उनकी समस्याओं को सुने और उसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर संघर्ष करें। ये निर्देश हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दिया। आपसे भी कहना चाहता हूँ, 1.25 साल पहले मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस जनपद का अध्यक्ष बनाया है, साक्षी है यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के साथी आदरणीय डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय जी साक्षी है। इन 1.25 सालों में जनता के मसाइल पर लगातार अगर किसी ने जूझने का काम किया है, किसी ने संघर्ष करने का काम किया है, तो हमारे कांग्रेस के बहादुर साथियों ने किया है। चाहे पराली जलाने की समस्या रही हो, चाहे धान और गेहूं क्रय केंद्रों पर भट्टोरी की समस्या रही हो, चाहे डीजल और पेट्रोल के दाम जब जब बढ़े हैं, कांग्रेस के लोग सड़कों पर कफन पान बांध कर उतरे हैं और हमने आपकी लड़ाई लड़ी और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप हमारे साथ आइए, हमको ताकत दीजिए, हम आपके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस स्तर पर उतरना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग आपके परिवार की तरह उस स्तर पर उतर कर आपके मान और सम्मान की हिफाजत करने का काम करेंगे। हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास कोई विधायक नहीं है, हमारे पास कोई सांसद कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है कि हम आपको ये भरोसा दिला दें कि आप हमारे साथ आइए, हम आपके गांव की सड़क बना देंगे, आप हमारे साथ आइए, हम आपके गांव की नाली बनवा देंगे, आप हमारे साथ आइए, हम आपके परिवार में किसी को नौकरी दिलवा देंगे। ये वादा हम आपसे नहीं कर सकते, लेकिन ये भरोसा जरूर दिला के जा रहे हैं, जहां आपके मान सम्मान की बात होगी, जहां आपका पसीना गिरेगा, वहां कांग्रेस के साथ ही अपना खून बहाने से भी हिचकेंगे नहीं। ये विश्वास रखिए, ये विश्वास आपको डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय जी की भी तरफ से और पूरी कांग्रेस की तरफ से दिलवाकर यहां से जाना चाहता हूं। सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, आज डॉक्टर साहब आए हैं, हम लोग आए हैं, बैठक करके चले जाएंगे, आपके बीच के एक नौजवान को, गरीब परिवार का बच्चा है राकेश गौड़ को हमने खड़े हो जाए, ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, इनको ताकत दीजिए, इनको ताकत दीजिए, इनकी मदद कीजिए। इस नौजवान के अंदर हौसला है कुछ करने का, लोगों की सेवा करने का एक जज्बा इस नौजवान के अंदर मैंने देखा, तब इनको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कोई बात हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, एक बार राकेश गौड़ से संदेशा भेजवा दीजिएगा, कहीं कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे, आपके हर बुलावे पर कांग्रेस के लोग आपके दरवाजे पर मौजूद मिलेंगे, ये भी विश्वास दिला के यहाँ से जाना चाहता हूँ।